कल्पों के अवतार में प्राप्त होते हैं, कई लीलाएं प्राप्त होती है, परंतु भगवान क्या भगवान श्री कृष्ण का भी अन्य कल्पों में अवतार हुआ है? अन्य कल्प में भी अवतार होता है और महाभारत में लिखा है कि भगवान वेदव्यास जी ने 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु से दर्शन किया, फिर महाभारत की रचना की। अब उसमें वैष्णव लोगों का कथन यह है कि कई ऐसे कल्प होते हैं जिसमें कृतयुग त्रेता की संधि में, त्रेता द्वापर की संधि में श्री रामकृष्ण का जन्म होता है, तो विष्णु भगवान ही रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं। एक धारणा यह कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परब्रह्म परमात्मा, जिनकी अभिव्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, वे ही श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होते हैं। भागवत में लिखा गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये कला अवतार है, हमें श्री कृष्ण साक्षात अवतारी हैं। वाल्मीकि रामायण में भी स्वयं शब्द का प्रयोग किया गया है, सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, ऐसे प्रकार स्वयं प्रभु, तो स्वयं शब्द के बल पर श्री कृष्ण और राम जी दोनों ही पूर्ण परमात्मा के अवतार सिद्ध होते हैं। या भगवान विष्णु से उत्कृष्ट मानने पर अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, ये सब भी जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरिषम नचावन हारे, श्री रामानुजाचार्य के जो अनुयायी हैं रामचरितमानस की इन पंक्तियों को पढ़ करके, वो रामचरितमानस को नहीं मानते, हमारे विष्णु को भी कहीं का नहीं छोड़ा। इसलिए रामानंद संप्रदाय वालों ने रामचरितमानस को अपना लिया, श्री रामानंद संप्रदाय वालों, श्री रामानंद संप्रदाय वालों ने कहा रामचरितमानस का पाठ करना ही नहीं चाहिए, हमारे विष्णु को भी कठपुतली बना दी। विवक्षा वसाते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जब राम कृष्ण के रूप में उद्भाषित होते हैं, तो विधि हरिहर विधि विधि हरिहर तप देख अपारा मन समीप आए बहुबारा, परम धीर नहीं चले चलाए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से अतीत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बहुत बढ़िया है। ब्रह्मा जी पहुंच गए, भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन करना चाहते थे, देवियों ने रोक दिया, पहले आप परिचय दीजिए किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं पहले विष्णु भगवान को बताऊं, अनुमति देंगे तो आप मिल सकेंगे। ब्रह्मा जी चतुर निकले, उन्होंने कहा जिस ब्रह्मांड में भगवान ने उपेंद्र होकर वामन होकर अवतार लिया उस ब्रह्मांड का मैं ब्रह्मा हूँ। अब स्कंद पुराण के अनुसार अपने चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथ आदि दारू ब्रह्म को ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठित किया इंद्रद्युम्न के अनुरोध पर। ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी में इंद्रद्युम्न हुए, वहाँ स्तुति की स्कंद पुराण में, सार्धक त्रिकोटि हम ब्रह्मा हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं, इसका अर्थ हुआ जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा, तो ब्रह्मांड की संख्या 3.5 करोड़ सिद्ध होती है, ब्रह्मा भी 3.5 करोड़ होते हैं। कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है, अकार उकार मकार अर्धमात्रा, यह भी है गणित का हिसाब। 7 करोड़ मंत्र होते हैं तेजो बिंदु उपनिषद आदि के अनुसार, अकार उकार मकार अर्धमात्रा आरोह क्रम अवरोह क्रम, 3.5 3.5 जोड़ने पर 7 हो जाता है, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड 7 करोड़ मंत्र आ गए।